आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बहुत ही बेहतरीन प्राणायाम का अभ्यास सिखाऊंगी, जिनकी मदद से अगर आप बहुत तनावग्रस्त हैं, बहुत स्ट्रेस है आपको, फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस, जिसके कारण से आपकी रातों की नींद जो है बड़ी ही बेचैन होती है, आपको रात में नींद आने में बड़ी परेशानी होती है, या कि फिर बड़ी कच्ची नींद होती है, वो गहरी नींद आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, या कि फिर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा होता है, या ब्लड प्रेशर अगर लो भी है तो आपके ब्लड प्रेशर को ये अभ्यास नॉर्मल करेंगे। टॉन्सिल की समस्या है, थायराइड का डिसऑर्डर है, ये सारी समस्याएं, इनफैक्ट रात में जिनको खर्राटे आते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या कि पब्लिक स्पीकिंग करते हैं या टीचर हैं, तो आज का अभ्यास ज़रूर कर लिया करें हर रोज़। इससे आपकी वोकल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेंथन होगी और इससे मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव भी कम होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें और हर एक जानकारी अच्छी तरीके से समझें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे वहाँ पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हर दिन मैं योग से रिलेटेड कोई ना कोई अपडेट वहाँ पर डालती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी, आपको सिखाऊंगी उज्जायी प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उज्जायी यानी विक्ट्री, तो इसका नाम है विक्टोरियस ब्रेथ। इसका जब आप अभ्यास करते हैं तो आपके गर्दन के आसपास की जो मसल्स है ना, ये मसल्स बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होती हैं, और इनके एक्टिवेट होने से आपके थ्रोट रीजन पर ब्लड फ्लो जो है इम्प्रूव होता है। रुका हुआ ब्लड जो है हमारे लिए सही नहीं होता है, तो यहाँ पर हल्की मसाज मिलने से रुके हुए ब्लड जो है वो वापस से प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में जाते हैं, और इसी से मदद होती है आपके गर्दन से रिलेटेड कोई भी एलिमेंट है, कोई भी परेशानियाँ हैं तो वो दूर करने में। कैसे करेंगे ज़रा देखें, इसकी टेक्निक अच्छी तरीके से देखें समझें। चिन को कोलर बोन की तरफ ऐसे ड्रॉप किया, चेस्ट हल्की सी लिफ्टेड अप हो गई, गर्दन को पीछे स्लाइड किया और चेहरे को हल्का सा ऐसे उठा लिया, हल्का सा, जिससे कि आपकी एपिग्लॉटिस पे वो दबाव बना रहे ऐसा। और फिर उसके बाद आँखों को बंद किए हुए नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे, नाक से सांस को लेंगे और नाक से सांस को छोड़ेंगे, तो वो हिसिंग साउंड आप महसूस कर सकते हैं। ऐसा जैसे आपने कभी किसी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा हो और सोते हुए उसके गर्दन से कैसी सनसनाहट की आवाज़ आती है, एग्जैक्टली वैसा ही, या कि फिर दूर समुंदर से आती हुई आवाज़, उस सनसनाहट को। अब अगर उज्जायी प्राणायाम करते करते इसमें आप खेचरी मुद्रा भी लगा दें। खेचरी मुद्रा कैसे करेंगे ये ज़रा देखें, जीभ को बाहर की तरफ खींचा, टंग को ऐसे, और टंग की टिप को टर्न कर दिया अंदर की तरफ, जिससे कि ऊपर वाला जो तालू है यहां पर आपकी टंग जो है टच कर रही है, और मुंह को बंद कर लिया, और फिर चिन को कोलर बोन की तरफ ड्रॉप किया, मुंह बंद है, खेचरी मुद्रा लगी हुई है, स्लाइड योर हेड बैक, हेड अप एंड ब्रीद। फिर कुछ देर अभ्यास करने के बाद जीभ को रिलैक्स कर दें, और लेकिन आँखों को बंद करें। अभ्यास के तुरंत बाद ऐसा ही ना हो कि आपने जीभ को छोड़ा और फिर आंखें खोल के इधर उधर देखने लगे। आँखों को बंद करके कुछ देर शांत बैठिए, ध्यान को गर्दन पर रखिए और ऑब्जर्व करते रहिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं।
मात्र कुछ हफ्ते आप इसका अभ्यास कीजिए, इमीडिएट तो आपको असर मिलेगा ही मिलेगा कि मन शांत हो रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों तक अभ्यास करने के बाद आप इसके जो बेनिफिट मैंने पहले बताए हैं उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ऐसा होता क्यों है, कोई चमत्कार नहीं है, सिंपल सा साइंस है कि जब आप गर्दन इस तरीके से लॉक किए तो गर्दन के आसपास ये हल्का दबाव पड़ा तो यहाँ पर जो कड़ापन है, स्टिफनेस है, वो दूर होती है और धीरे धीरे यहाँ पर आपके गर्दन पर हल्का मसाज मिलने से जो रुका हुआ ब्लड है वो वापस से प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस में जाता है। और जब इस तरीके से प्यूरिफिकेशन धीरे धीरे होता है तो उस अंग से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं उनसे धीरे धीरे आप निजात पाने लगते हैं। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे कंसिस्टेंसी में। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा कंडक्ट की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को एक घंटे की ड्यूरेशन में मैं इस तरीके से डिज़ाइन करती हूँ कि जिसमें कि आपकी ओवरऑल बॉडी पर काम किया जाए विद द हेल्प ऑफ आसनास, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन। अलग अलग दिन हम अलग अलग क्लासेस करते हैं जिससे आपके पूरे शरीर पर काम किया जा सके। आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। अगर आप बिगनर हैं, ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मानसिक तनाव है, रात में नींद नहीं आती है, तो ये क्लासेस मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि ज्वाइन करें, क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ये क्लासेस ज्वाइन करने के बाद स्वास्थ्य में बहुत लाभ मिला है उनके, उनकी मेडिकेशन भी बहुत हद तक कम हो गई है। जो दवाइयाँ गोलियाँ वो खाते थे और दवाइयों पर डिपेंडेंट थे वो चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई हैं। अब अगर ये लाइव क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ जूम पर, तो आप मेरे द्वारा कुछ कोर्सेज मैंने डिज़ाइन किए हैं, आप उन कोर्सेज को परचेस करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक घंटे की वीडियोस होती हैं और इन एक घंटे की वीडियोस को एक्सक्लूसिव मेरे वेबसाइट पर आप एक्सेस कर सकते हैं परचेस करने के बाद। और ये वीडियो यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल नहीं है, एक्सक्लूसिव वेबसाइट पर है। एक घंटे की वीडियोस में एक सीक्वेंस होता है जिसमें आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर लास्ट में ध्यान करेंगे। और ये कोर्स कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है। और इन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपको कहीं और नहीं जाना है, घर के ही कम्फर्ट जोन में अपना लैपटॉप या मोबाइल ओपन करें और वीडियोज़ को प्ले करके और शुरू हो जाएँ। तो इसमें बेनिफिट, लाइव क्लासेस में बेनिफिट ये होगा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, कुछ भी आप गलत कर रहे हैं मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन में सिर्फ आप मुझे देख सकते हैं और जिस तरीके से मैं अभ्यास कर रही हूँ उसको फॉलो कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी जानना चाहते हैं कि ये क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी और कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट शेयर की है जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दें ताकि आपको क्लास और कोर्स के बारे में सारी की सारी जानकारी मिल जाए तत्काल। अभी तो वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को पूरी देख लीजिए और फिर उसके बाद जाके मेरी वेबसाइट और जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास जो कि हाई ब्लड प्रेशर, मानसिक तनाव, नींद की परेशानी में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है और इसके बहुत बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए षणमुखी मुद्रा लगाएंगे। षण मीन्स छः, मुखी मीन्स डोर, तो सिक्स डोर्स को क्लोज करेंगे। ये सिक्स डोर्स कौन से हैं, आँख हो गया, नाक हो गया, नाक को तो पूरा नहीं बंद करेंगे, नाक की बेस, कान हो गया, अपने मन को बहुत ज़्यादा शांत करके इन सिक्स डोर्स को क्लोज करेंगे। बाहर की दुनिया से अपना जो मन है उसको डिसकनेक्ट करेंगे और अपनी अवेयरनेस को अंतर्मुखी करेंगे। इसीलिए ये सिक्स डोर्स को क्लोज करते हैं क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से तो हमारे ब्रेन की तरफ जाती है। तो ऐसे अपने आँख को बंद किया इंडेक्स फिंगर से, नाक के बेस पर हमने रखा मिडिल फिंगर को, ऐसा नाक को हाफ क्लोज किया। अब फिर उसके बाद अपने रिंग फिंगर को अपर लिप्स, लिटिल फिंगर को लोअर लिप्स, कान को ऐसे बंद कर लिया अंगूठे की मदद से, ऐसा थंब से अंगूठा ऐसे बंद किया, ऐसा कान के ऊपर रख के सिक्स डोर्स को क्लोज कर लिया है। अब हम सांस लेंगे नाक से,
जीभ को अपर पैलेट पर लगा दीजिए और पतली भंवरे की आवाज ना की आवाज निकालेंगे, कैसे? सांस लें नाक से, पूरी छाती पर सांस भर लें और सांस छोड़ें अब मुंह बंद करके। इस तरीके से अपने ध्यान को पूरा माथे पर रखने के बाद इस झंझनाहट को पूरे फोरहेड रीजन पर रखेंगे और आराम से शांत बैठेंगे। अभ्यास के तुरंत बाद माथे पर एक लाइटनेस आप महसूस करेंगे, इस रेजोनेंस को महसूस कर सकेंगे और आंखों को बंद किए हुए कम से कम 5 मिनट तक उज्जाई करने के बाद भ्रमरी करें और 5 मिनट तक बिल्कुल शांत बैठें। कब इसका अभ्यास करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग करें बहुत अच्छा है, वरना आप दिन में कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर योग का अभ्यास करते हैं तो किस सीक्वेंस में अभ्यास करना है, पहले आसन का अभ्यास, फिर प्राणायाम का, और फिर जब आप मेडिटेशन की तरफ जाएं तो मेडिटेशन से पहले ये अभ्यास कर लें, सो दैट आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से शांत हो। या देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया इन क्रियाओं का अभ्यास। आशा करती हूँ स्टेप बाय स्टेप ये सारी जानकारी जो मैंने आपको दी वो उससे आपको बहुत लाभ मिलने वाले हैं। अब आप हर दिन इन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे और आपको खूब सारे स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। और ये सिर्फ स्वास्थ्य लाभ अपने तक सीमित मत रखिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए सो दैट उनको खूब सारे स्वास्थ्य लाभ मिले इन सारे अभ्यासों को करके। मेरा प्रयास कैसा लग रहा है, ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, अगर आपके सजेशन है कोई तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आगे आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे बताइए, कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्ते।